वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप्स सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े में होंगे। और आज की वीडियो का क्या टॉपिक है ये तो आपने देख लिया होगा टाइटल में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने वीडियो को एडिट किस तरह से करना है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और थोड़ी सी लेट हो गई है, जिसके लिए माजरत। और मैं ट्राई करूंगी कि मैं ईच एंड एवरी डिटेल इसके अंदर आपके साथ शेयर कर लूं। और अगर कुछ रह गया हो तो आप बाद में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका YouTube का चैनल है तो आपने वीडियो को कैसे एडिट करना है, और मैं अपनी वीडियोस को किस तरह से एडिट करती हूँ, कौन सी एप्लीकेशंस का मैं इस्तेमाल करती हूँ। सो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपको कैमरा की ज़रूरत है, आपने मोबाइल से वीडियो को बनाना है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप वीडियो बना लेते हैं तो उसके अंदर आप फ्लॉलेसली नहीं बोल सकते। तो जो आप फ्लॉलेसली नहीं बोल सकते उसके अंदर कुछ आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, और उन्हीं को कट करने का मतलब ही होता है कि आप वीडियो को एडिट कर रहे हैं और फिर आप उसको अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो शेयर करूं। सो सबसे पहले तो जी आपने वीडियो बना ली। ठीक है, जब आपने वीडियो बना ली तो अब आपके पास दो एप्लीकेशंस होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये दो एप्लीकेशंस हैं, एक है काइनमास्टर और एक है इनजॉ। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने काइनमास्टर का इस्तेमाल किया था। काइनमास्टर के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच जब होंगे तो आपको लगेगा कि वो वाली एप्लीकेशन मुश्किल है। लेकिन कोशिश करें कि आप एक ही एप्लीकेशन पे रहें। ठीक है, काइनमास्टर के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात है कि इसका जो लोगो है, जो इसका एक जो सिग्नेचर है काइनमास्टर का, वो आपकी वीडियो के ऊपर आएगा। सो अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप काइनमास्टर ही इस्तेमाल करें। ठीक है, ये इस तरह से होती है। ये हमने इसको ओपन किया, उसके बाद ओके जी, ये देखिए मैंने काइनमास्टर पे वीडियो को ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको ये ऑप्शंस आएंगी, मीडिया की ऑप्शन आएगी, आपने मीडिया के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी ये ऑल की ऑप्शन आ रही है, आपने इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी वीडियोज़ होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। सो अभी मेरे पास यहाँ पर यही एक वीडियो है और मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें, जितनी दफ़ा आप उसको क्लिक करेंगे वो उतनी दफ़ा ऐड हो जाएगी। हो गया, उसके बाद आपने इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना है, यहाँ आपने ओके करना है। और ये अब आपकी सारी ऑप्शंस हैं ये वाली, जिसकी मदद से आप इसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आ रहा है काइनमास्टर का, एक इनका सिग्नेचर आ रहा है जो वीडियो पे आएगा। तो जी इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, मुझे इसका थोड़ा सा इश्यू आता है, सो इस वजह से मैं इसको नहीं करती। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किससे वीडियो एडिट करती हूँ। सो जी मैं यहाँ से बैक पे आ गई हूँ। अब अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी एप्लीकेशन क्या है, इनशॉट। इनशॉट को मैं ओपन करने लगी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आती है, सबसे पहले इनशॉट पे ये ऑप्शन आती है। आपने जो कि वीडियो बनानी है तो आपने इसको करना है, ठीक है, सेलेक्ट कर लेना है और नीचे से आपकी ओके का ये आ जाएगा। ठीक है, सो जी अब आपकी वीडियो स्टार्ट हो गई है। अब सबसे पहले तो जब आपने एडिटिंग करनी है आपके यूट्यूब के चैनल के लिए, कैनवस ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो कैनवस है ये कैनवस नहीं होना चाहिए, इसको आपने चेंज करना है। इसको आपने कैसे चेंज करना है, ये आपको कैनवस की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इसको क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद ये आपके पास कैनवस की ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, इस टाइम जो है वो है 1:1 का है, लेकिन आपने ये नहीं करना, आपने 16:9 करना है फॉर यूट्यूब। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूट्यूब की ऑप्शन आ रही है, सो आपने इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखें, अब चूंकि मैंने वीडियो जो है वो रेंडमली बनाई है, हमेशा जब आपने वीडियो बनानी है आपने मोबाइल को इस तरह से करके वीडियो बनानी है, ऐसे करके वीडियो नहीं बनानी। अगर आप ऐसे करके बनाएंगे तो ये देखें ये ख़राब आ रही है। ठीक है, तो खैर आपने इसी तरह से करना है। अब इसका एक और तरीका भी है, अगर आप चाहते हैं, अगर आपने गलती से कैमरा सीधा करके वीडियो बना ली है लेकिन अब आपने उसको यूट्यूब पे लगाना है तो आपने उसको चेंज करना है उसकी सेटिंग्स में, तो फिर वो आपने किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये नीचे ऑप्शंस है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो कैनवस का मैंने आपको बता दिया, अगर आपने कोई स्टिकर ऐड करना है तो वो यहाँ से ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कुछ लिखना है तो वो यहाँ टी लिखा हुआ है वहाँ से लिखना है, और ये कीपैड पे आपने क्लिक करना है।
अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ कि फोन्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन के क्या फ़ीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग आईफोन तो जो भी फीचर्स हैं वो डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे, उसको ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो टाइम टू टाइम उसकी अपडेट आती रहेंगी, आपने उसको अपडेट करते रहना है, और जैसे जैसे आप उसको अपडेट करेंगे आपके जो फीचर्स हैं डेफिनेटली वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यू थिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, न्यू फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। सो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं करनी। जो चीज़ अगर पहले नहीं भी है, हो सकता है कि मैं जो इस टाइम आपको सब बता रही हूँ जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें तो वो सब चीज़ें आपके पास ना हो, सो आपने परेशान नहीं होना कि नहीं वो तो एप्लीकेशन में ये चीज़ें थी मेरे पास नहीं आ रही हैं। जब टाइम टू टाइम जब आप उसको अपडेट करेंगे तो वो सब फीचर्स आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद अब आ जाती है बारी नेक्स्ट की कि देखिए आपका कैनवस जो है वो आपने मोबाइल को सही तरीके से करके नहीं पिक्चर ली, तो फिर अब आप उसका क्या हल कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएँ, ठीक है, यहाँ आगे आएँ, अगर आपने क्रॉप करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रोटेट की ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, आपको ये रोटेट की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अभी भी ये मुझे सीधा नहीं लग रहा तो मैं इसको अगेन करूँगी, तो ये देखिए जी, ठीक है, ये रोटेट हो गया, सही है। उसके बाद ये क्रॉप की है और वॉल्यूम आपने ऐसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपकी इसका वॉल्यूम, आपने जो वीडियो बनाई है इसका जो वॉल्यूम है वो आपने बंद कर देना है कि मतलब इसके अंदर आवाज़ सही नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली क्लिक कर दें तो ये देखें ये ज़ीरो पे चला जाएगा, ठीक है। अब हो गया ये ज़ीरो। अब एक और बड़ी चीज़ आ जाती है कि हमने इसका वॉल्यूम तो बंद कर दिया, अब हमने यहाँ पे बोलना है, जैसे कि मैं स्टार्ट में बोलती हूँ या मैं इस टाइम तो मैं लाइव बना रही हूँ, लेकिन अक्सर आपने वॉइस ओवर करना होता है, तो वो आपने कैसे करना है, आपको ये नज़र आ रही है म्यूज़िक की ऑप्शन, ठीक है। आपने इस म्यूज़िक के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, एक आ रहा है ट्रैक, एक आ रहा है इफेक्ट और एक आ रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपने रिकॉर्ड को प्रेस करना है, आपने इसको प्रेस करना है, इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, होप सो सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े में होंगे। और ये मैंने टिक कर दिया और अब आप सुने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, होप सो सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े में होंगे। सो आपने देखा कि वॉइस को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, और अगर आपने म्यूज़िक लगाना है तो आप जिस तरह से मैंने अपनी वीडियोस में लगाया होता है यहाँ से आप म्यूज़िक लगा सकते हैं। अगर आपने फ़िल्टर लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको बड़ा करना है या कम करना है तो आप इसको क्लिक करके यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हैं ऐसे, और इसको आप फुल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये ट्रिम की ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने किसी क्लिप को डिलीट करना है तो डिलीट की ये है, इसका मैंने बता दिया है। स्पीड अगर आपने बढ़ानी है तो वो आपकी ये वाली ऑप्शन है। सो मैं आपको काइंड मास्टर का इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल मैं इसी को ही इस्तेमाल कर रही हूँ। रोटेट का मैंने बता दिया है, क्रॉप की ऑप्शन यहाँ से आ जाती है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने ये वाला करना है, अगर आपने मज़ीद वीडियो को कम करना है तो यहाँ से वो क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यही मेन चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई वीडियो बनाने के लिए और कोई फीचर्स नहीं है, यही है। इसी से आपकी वीडियो बहुत अच्छी बन जाती है। सो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है कि मैं कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अगेन बता दूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने बैक जाना है तो यहाँ पर आपने ये ड्राफ्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है, आपने ड्राफ्ट को प्रेस कर देना है और ये आपकी वीडियो यहाँ पे सेव हो जाएगी, आपने जो भी एडिट की होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी ड्राफ्ट में। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, एक है इनशॉट, एक है काइंड मास्टर, लेकिन प्रेफरेबल है इनशॉट। लेकिन अगर आप इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसी पर रहें, आप इस पर मूव नहीं करें। ओके जी, यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब रह जाता है थंबनेल, तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं और वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि थंबनेल किस तरह बनाया जाता है। और अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूं जो मुझसे मिस हो गया होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।